बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आलू के कटलेट्स तैयार बनाने लगे हैं। ये आलू हमने पहले से उबाल लिए हैं, इनको हम छील लेंगे। इसी तरह सारे आलूओं को हम छील लेंगे। ये आलू हमने सारे छील लिए। ये अब एक गिलास लेंगे, गिलास की मदद से हम आलूओं को मैश कर लेंगे। ये गरम गरम है, बहुत आसानी से मैश हो रहे हैं। ये आलू हमारे अच्छे से मैश हो गए हैं। अब ये आलू उसके ऊपर से उतार के हम इसको साइड पे रख देते हैं। ये साइड पे रख देंगे। अब इसमें हम मसाले शामिल कर लेंगे। ये धनिया हमने काट के रखा होता है, धनिया शामिल करेंगे। ये सब्ज़ मिर्चें, ये चॉप की हुई प्याज है, ये इसमें शामिल कर देंगे। नमक शामिल करेंगे हसबे जायका, एक चम्मच मिर्च लिया है हमने, ज़ीरा एक चम्मच, ये एक चुटकी अजवाइन लिया है हमने, एक चम्मच कुटी हुई मिर्चें हैं। अब ये हाथ की मदद से इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये दो चम्मच हम इसमें बेसन के ऐड कर देंगे। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये अब हम इसकी टिक्कियां बना लेते हैं। ये टिक्कियाँ हमारी सारी तैयार हो गई हैं। ये एक अंडा हमने फेंट लिया है, अब इनको हम फ्राई कर लेंगे। ये अंडे में थोड़ा सा हम एक चुटकी नमक और थोड़ी सी सुर्ख मिर्च शामिल कर रहे हैं। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये इसके ऊपर थोड़ा सा हम घी डाल लेंगे। टिक्की अब हम डालते जाएंगे फ्राई करके। ये अब इसकी साइड चेंज करेंगे। इसे आप डिश आउट कर लेते हैं ऊपर। ये हमारे आलू के कटलेट्स तैयार हो गए हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। आप इसे देखिए चटनी के साथ, केचप के साथ खा सकते हैं, सैंडविच में यूज़ कर सकते हैं, बर्गर में, चाहे पराठे से खाएं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।